Good morning, student. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th, subject biology, chapter number 3, human reproduction, lecture number 3. हमने इससे पहले अपने second lecture यानी कि पिछले lecture में जो last topic पढ़ा था वह था the male reproductive system और साथ में हमने इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस की थी, जैसे कि टेस्टिस, टेस्टिस से आगे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा और लास्ट में हमने कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जो थी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ए पेयर ऑफ ओविडक्ट ए यूरेटस एंड सर्विक्स एंड वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं और ये सभी पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विथ मेमरी ग्लैंड फीमेल में फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सर्वल स्टीरॉयड हार्मोन लाइक ओवेरियन हार्मोन। कि ओवरी जो है एक जोड़ी वन पेयर में फीमेल में पाई जाती है जिसके अंदर फीमेल गैमेट गैमेट ओवम प्रोड्यूस होते हैं तथा इसमें कुछ स्टीरॉयड हार्मोन भी निकलते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। कि ये पेल्विक वॉल और यूटेरस से लिगामेंट के जरिए आपस में ओवरी जुड़ी हुई होती है। अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी के ऊपर एक थिन एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है और उसको भी अगर देखें तो उसके आउटर वाला हिस्सा और इनर वाला हिस्सा, बाहर और अंदर वाला हिस्सा अलग अलग होता है। कि ओवरी जो है एक थिन एपिथेलियम के कवर से ढकी हुई होती है जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं और इसका बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स और इनर अंदर वाला भाग मेड्यूला कहलाता है। किसकी बात की हमने? ओवरी की। नेक्स्ट बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। कि ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजिना ये एसेसरी डक्ट कहलाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। कि ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस एंड द क्लोजर पार्ट ऑफ ओवरी इज फनल शेप्ड कॉल्ड इनफंडिबुलम एंड द एज ऑफ इनफंडिबुलम इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री which help the collection of ovum after ovulation। Fallopian tube की बात करें तो fallopian tube का extend ये है, fallopian tube ये वाला हिस्सा जिसका extend होता है ovary से uterus तक, uterus यानी कि गर्भाशय तक यह फैली होती है। fallopian tube का जो आगे वाला हिस्सा है यह funnel shape का होता है, चौड़ा होता है, जिसको infundibulum कहते हैं और इनफंडिबुलम के आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको फिम्ब्री कहते हैं। इसका काम होता है कि ओवरी से जो ओवम निकलेगा, फीमेल गैमेट ओवम जो निकलेगा उसको कलेक्ट करना। और इसके आगे याद रखना कि अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में स्टार्टिंग पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम, मिडल पार्ट कहलाता है एम्प्यूला एंड लास्ट पार्ट कहलाता है इस्थिमस।
ये तीनों पार्ट कंबाइंड फॉर्म में फेलोपियन ट्यूब कहलाते हैं। द इन्फुंडिबुलम लीड द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल एम्प्यूला एंड लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थिमस हैज ए नैरो ल्यूमन एंड जॉइन टू यूटेरस। लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट का है वह इस्थिमस कहलाता है जो यूटेरस से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की जो है यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थर्ड जो पार्ट है वह है यूटेरस यानी कि गर्भाशय। यूटेरस इज ए सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम। यूटेरस एक ही होता है जबकि हमने ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब पढ़ी थी इनके नंबर्स टू होते हैं, मतलब दो ओवेरी पाई जाती है और दो फेलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है जबकि यूटेरस की संख्या एक होती है और इसको वॉम्ब यानी कि गर्भ भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड एक उल्टा नाशपत्ति या पियर के आकार का यूटेरस होता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यह पेल्विक वॉल से है लिगामेंट के जरिए जुड़ा होता है। आप इसको देख सकते हैं कि यह जो यूटेरस है यह यूटेरस के जो यूटेरस है इसकी वॉल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर वाली जो पार्ट है वह पेरिमेट्रियम कहलाती है, बीच वाली मायोमेट्रियम कहलाती है और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम कहलाती है। ये गर्भाशय की तीन दीवारें या तीन परतें कह सकते हैं इसको कि यूटेरस की थ्री लेयर्स मौजूद होती है और इसमें भी जो एंडोमेट्रियम लेयर है यानी कि सबसे अंदरूनी जो लेयर है यह फीमेल में साइक्लिक चेंजेस के दौरान टूटती है और ब्लड की फॉर्म में वजीना से बाहर निकलती है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और उसकी बॉडी में से ब्लड वजीना के थ्रू बाहर निकलता है उस समय उसकी बॉडी में यही अंदर वाली एंडोमेट्रियम लेयर ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलती है जबकि पेरीमेट्रियम लेयर जो है इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे के जन्म के समय सहायक है। माना जाता है कि बच्चे का जब जन्म होगा बेबी की जब डिलीवरी होगी उस समय यह पेरीमेट्रियम लेयर हेल्प करती है। आगे की बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वह आता है वजाइना। वजाइना द यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। कि आप अगर यूटेरस को देखते हो तो उसके नीचे वाला भाग थोड़ा पतला हो जाता है, नुकीला हो जाता है जिसको सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स बॉडी से बाहर वजाइना के थ्रू खुलती है। एंड द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। और कैविटी जो है सर्विक्स की वह सर्विकल कैनाल कहलाती है, वो वजिनल से जुड़कर बर्थ कैनाल को बनाती है। ये सर्विक्स और सर्विकल कैनाल और वजाइना यहाँ पे ये बर्थ कैनाल को बनाती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है कि बाहर से उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दो चीज़ों की बात करता हूँ, लीबिया मजोगा एंड लीबिया मेनोगा। कि फीमेल में वेजिनल ओपनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पर स्किन की दो फोल्ड पाए जाते हैं जो उस वेजिनल ओपनिंग को ढकने का काम करते हैं। बाहर वाले जो स्किन के बड़े फोल्ड होते हैं उसको लीबिया मजोगा कहते हैं, फ्लैशी फोल्ड दैट सराउंड द वेजिनल ओपनिंग एंड ए स्मॉल पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मजोगा। कि लेबिया मजोगा के नीचे की तरफ भी एक स्किन के फोल्ड होते हैं वो भी वेजिनल ओपनिंग को कवर करने का काम करते हैं। जबकि जहाँ पे वेजिनल ओपनिंग होती है उसके ऊपर की तरफ की स्किन में फैटी टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करती हैं, प्यूबिक हेयर रीजन होता है। फैटी टिश्यू के कारण वहाँ पे छोटे छोटे बाल उगे हुए होते हैं। एक और स्ट्रक्चर इसमें आता है क्लाइटोरिस, जो आपके 12th बोर्ड में क्लाइटोरिस के बारे में और हाइमन के बारे में
पूछा गया था। सबसे पहले तो वेजिना जो है एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है, वो पतली मेम्ब्रेन कहलाती है हाइमन, एंड टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एंड अपर जंक्शन ऑफ टू लिबिया मजोरा, कि लिबिया मजोरा जो जहाँ पे स्किन फोल्डिंग है उसके ऊपर की तरफ एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो कहलाता है क्लाइटोरिस, और इस क्लाइटोरिस को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये क्लाइटोरिस वाला भाग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और उसके ऊपर स्किन की दो फोल्डिंग है, लिबियम मजोरा एंड लिबियम मनोरा, और वेजिनल ऑफ गैस मतलब कि वेजिनल ओपनिंग यहाँ पे है। ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाते हैं। हाइमन से रिलेटेड एक और चीज मैंने बताया था कि हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो वजीना को ढकने का काम करती है, मतलब उसको कवर करने का काम करती है, और नॉर्मली जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तभी यह हाइमन की मेम्ब्रेन टूटती है जिसके कारण वजीना से ब्लीडिंग होती है। लेकिन केवल यह ही फिक्स नहीं है, कई बार ये होता है कि ये जो हाइमन मेम्ब्रेन है यह सडन फॉल हो जाती है, अचानक टूट जाती है। वो कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि साइकिलिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, दूसरे कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो, उसके कारण भी ये अचानक टूट जाती है। लेकिन इन सम वुमेंस द हाइमन परसिस्ट इज इवन आफ्टर द कोइटस, एंड In fact, the presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. माना जाता है, कई लोग यह सोचते हैं कि virginity का indicator यही hymen membrane है, लेकिन real में यह virginity का indicator नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया है कि hymen membrane कई बार sport activity के कारण भी टूट सकती है। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।